बिहार की परिवहन मंत्री शीला मंडल ने कहा है कि महिलाओं के लिए नीतीश कुमार भगवान के समान हैं। मंत्री शीला मंडल ने नीतीश की तुलना देवता से की। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार का नाम इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा। तो बीजेपी नेता बोले कि नीतीश ने सिर्फ जनता को ठगने का काम किया, देवता नहीं यमराज है नीतीश कुमार। करके सेवा करने का मौका दी है और उनकी लोकप्रियता तो हमेशा बना रहेगा। और ये जान लीजिए कि जब भी बिहार का इतिहास लिखा जाएगा तो उनके बारे में स्वर्णिम अक्षरों से लिखा जाएगा। और आधी आबादी के लिए तो वो देवता है। जो उन्होंने किया पंचायती राज में 50% आरक्षण देने की बात कोई लोग सोच सकता था, अब दूसरा स्टेट उसका नकल कर रहा है। जीविका दीदियों की देखिए, आज जो महिलाएं जहां तहां बैठ करके जो मतलब घर में जो कला था, कितनी तरह की समस्याओं से निदान हुआ। इस पर बिहार की राजधानी पटना से शक्ति सिंह इंडिया न्यूज संवाददाता मेरे साथ जुड़ गए हैं। शक्ति, अब देवता और यमराज पर छिड़ गई है बहस जेडीयू और बीजेपी के बीच। देखिए, जिस तरह से कल जेडीयू के कोटे से मंत्री है, शीला मंडल है, परिवहन मंत्री है बिहार में, उन्होंने बयान दिया। उन्होंने कहा कि जो नीतीश कुमार है उन्होंने महिलाओं के लिए, खास करके आदि आबादी जो है उसके लिए काफी काम किया है, ऐसे में वो जो है हम लोगों के लिए जो है देवता है। और इस तरह के उन्होंने देवता से जो है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की तुलना कर दी है। और उसके बाद जो है बिहार में राजनीति भी तेज होगी। अब बीजेपी जो है इसको लेकर जो है हमलावर है। बीजेपी कह रही है कि जिस तरह से लगातार शराब, जहरीली शराब से मौतें हो रही है, अपराधी के कारण जो है इस तरह से जंगल राज फिर से लौट गया है, और वैसे में जो है लगातार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के देवता से तुलना नहीं करनी चाहिए, वो यमराज हो सकते हैं। इस तरह की बातें बीजेपी के तरफ से की गई है। तो निश्चित रूप से जिस तरह से शीला मंडल जो जेडीयू की है, उन्होंने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को जो है देवता कहा, और इस पर को लेकर जो है बीजेपी भी जो है पलटवार कर रही है। लगातार जो है बिहार में अब इसको लेकर जो है जेडीयू और बीजेपी दोनों जो है आमने सामने आ गई। ठीक, बहुत शुक्रिया आपका इस पर जानकारी देने के लिए शक्ति सिंह।